तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। क्योंकि जल ही जीवन है और जल हमारे पास खत्म हो गया है, तो हम जल लेने के लिए जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हो सकता है वो पानी देने वाली गाड़ी आएगी तो उनको नीचे ही रोकेंगे और वहां से अपना पानी भरवा के लाएंगे। आज भाई साहब का फोन आया है, गाँव में ड्रोन की मांग हो रही है। किसी का फोन आया बताया उनके पास, वो बोल रहे थे हमारे खेतों की वीडियो ड्रोन से बना के दो, हमारे को चलेंगे तब बनाएंगे। वो बनने की तैयारी हो रही है और नमकीन अपने पास है नहीं, नमकीन लेके आते हैं। जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, चलते हैं। बैठो तो भाई, अपन चल रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर। काफी आवाज आपको सुनने को मिल रही होगी, हो सकता है मेरी आवाज भी आपको सही नहीं आ रही हो। लंबे समय तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हमने की है। यहाँ से ये गोपालपुरा वाला एरिया आ गया है, सारी कोचिंगें यहीं पर हैं। 3 साल रेगुलर हमने यहाँ कोचिंग की है। ये उत्कर्ष क्लासेस का नया भवन है जो जयपुर में इन्होंने शुरू किया है। ये देखो आप, ये एक और उत्कर्ष का ही टावर है। इधर से आ जाओ, अपने कौन सी गाड़ी पार्क करनी है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क में, और देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। काफी सुंदर जगह है ये, और मेरे जैसे तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लगभग काफी बार यहाँ आ जाते हैं। तो आज एक बार फिर मैं यहाँ आ गया हूँ आप लोगों के साथ। लगभग 1,20,000 मीटर स्क्वायर में फैला ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क, और 3,000 से ज्यादा कार पार्किंग की व्यवस्था इसमें है। काफी बड़ा मॉल है और देखने में काफी सुंदर है। देखो भाई साहब, कितना आलीशान मॉल है, आप देख सकते हो। काफ़ी महंगी महंगी दुकानें हैं। तो क्या खाना था आपको? इडली सांभर। भोजनालय, यहाँ पे भोजन वोजन की सारी व्यवस्था है। देखो आप, छोले भटूरे का पेमेंट 714 रुपये, कितना महंगा सिस्टम है। सेल्फ सर्विस है, सारी खाने पीने की दुकानें यहाँ पे। वो वैसा भी कहाँ पहुँच गए हम, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है यहाँ की।
शहरों की अजीब सी दुनिया है, यहाँ लगता है देख के भी पता नहीं क्या हो रहा है। अपना टोकन नंबर 26, स्क्रीन पे 24 नंबर चल रहा है, नंबर आ गया, दौड़ के जाओ, 26 नंबर आ गया। मस्त सुगंध आ रही है, पता नहीं खाने में कैसा है, आ जाओ आप भी, सब लोग खाते हैं। ज़ातार की डब्बी को खोलना मुश्किल हो गया हमारे लिए। एक तो प्याज का टुकड़ा, दो चटनी छोले और दो भटूरे, एक मिर्ची भी, एक मिर्ची का टुकड़ा, ये मिर्ची भी पूरी नहीं है ना, अचार कम है इसमें। दो पानी की बोतल दो, पानी की बोतल दो। A few moments later. बटर स्कॉच या केसर पिस्ता दोनों में से। देखते हैं आप, देखो मजे आएंगे। देखते हैं देखे कौन एक्सपर्ट है। चुके हैं एप्पल स्टोर के पास। अब देखो आप एप्पल स्टोर में भीड़ कितनी हो रही है, स्टोर में भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है एप्पल स्टोर में। एयरपोर्ट के बिल्कुल जस्ट सामने से खरीदी थी ये इधर है वो दुकान। पहुंच चुके हैं लगभग नज़दीक अपने घर के, और ये देखो राजस्थान आवासन मंडल का कोचिंग अब बन रहा है बहुत बड़ा, लगभग सारी कोचिंग यहाँ शिफ्ट होने वाली हैं। ये लो जी 8 बजे से हम पानी का इंतजार कर रहे हैं, पानी अब पहुँचा है घर पे। दादाजी कई भी बात याद आती है कि लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची तो लाखों पाए। तो हम पहुँच चुके हैं घर और अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। टायर लगा के चल रहे हैं पैरों पर, मुजरी में देखो ये देखो इनको, मतलब 4 तो लच्छे पराठे मंगवा लिए एक दिन किसी से, 6 लच्छे पराठे और 3 जने खाने वाले, ऐसी हालत हो गई। डब्ल्यूटीपी में क्या हुआ, 4 प्लेट क्या मंगाया, वो भी इतने मोटे मोटे, सबकी हालत खराब हो रखी है। काफी देर से अपन अकेले ही बैठे थे, लगता है आगे टिकट पर
लेकिन 9 बजे का वक्त हो चुका है, भोजन की भी हल्की फुल्की भूख लगती है। नमकीन चावल बनाए, नमकीन चावल के नाम से भूख लग जाती है। नमकीन चावल और दही। रात के हो चुके हैं 11:44 और एडिटिंग का काम अभी बाकी रह गया है। अभी तो सोते हैं, सुबह उठ के करेंगे। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।